Welcome class 11th in today's class. Students, as you know, in history we are discussing about the Roman Empire. And in our previous class we have discussed about economic expansion and controlling workers of Roman Empire. Today we will continue with our study with our next topic, social hierarchy. In this chapter we will know about different social groups of Roman Empire. हम पढ़ेंगे कि Roman Empire में किस तरह से social groups में divided थी overall जो सारी population, और कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनको किसी तरह के privileges मिले हुए थे, और दूसरे relevant topics. So let's start today's class. हर जगह पर जो सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, है ना, क्लासिफाइड होते हैं. तो रोमन एम्पायर पे या रोमन पॉपुलेशन जो थी वो किन तरीके से डिवाइडेड थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम पर एम्पायर का. टैकिटस नाम के एक पर्सन ने, उन्होंने बताया कि पूरी सोसाइटी कई तरह से सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थी. जहाँ पर लीडिंग सोशल ग्रुप था वो था सेनेटर्स का. सेनेटर्स वो मेंबर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे, है ना. और इनके साथ साथ इक्वेस्ट्रियन क्लासेस होते थे जो आर्मीज से बिलोंग करने वाले लोग थे. ठीक, सेनेटर्स और इक्वेस्ट्रियन क्लासेस ये सबसे ज़्यादा लीडिंग जो माने जाते थे, यानी ज़्यादा प्रिविलेजेस या एक ये रिस्पेक्टेबल मेंबर्स माने जाते थे पूरी सोसाइटी के. इनके बाद जो सेकंड रिस्पेक्टेबल सेक्शन आता था वो होता था ऐसे लोग जो ग्रेट हाउसेस से बिलोंग करने वाले लोग थे, जो वेल्दी पर्सन्स थे, वेल्दी ग्रुप्स थे. देन आता है लोअर क्लास जिसको प्लेब्स सॉर्डिडा कहा जाता है. ऐसा बताया जाता है कि ये लोग सर्कस और थिएटर जैसी चीज़ों को देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और एडिक्टेड थे इन चीज़ों के, तो उन्हें मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी देखनी. एंड फाइनली लास्ट में जो एक सोशल ग्रुप आता था जिसे सबसे छोटा या कमज़ोर माना जाता था, वो होता था स्लेव्स का, यानी गुलामों का ग्रुप. अर्ली थर्ड सेंचुरी के टाइम पर जब सीनेटर्स की संख्या, सीनेटर्स का नंबर ऑलमोस्ट 1000 था, तो उस टाइम पर जो मेंबर्स थे, मैक्सिमम मेंबर्स थे, वो माने जाते थे कि वो इटालियन फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे. जबकि लेट एम्पायर के टाइम पर जब कॉन्स्टेंटिन फर्स्ट का टाइम पीरियड आता है और ये रूलिंग में आ जाते हैं, तो उस टाइम पर अर्ली पार्ट ऑफ द फोर्थ सेंचुरी में टू ग्रुप्स को बताया गया है कि जो दो ग्रुप्स थे वो एक बराबर पोजिशन पर माने जाते थे, यानी सेम ग्रुप में आते थे. टैकिटस के अकॉर्डिंग जो थे सीनेटर्स एंड द इक्विटस, जहाँ पर इक्विटस कौन से लोग थे, आर्मी में वो लोग जो हॉर्समैन थे, जो घोड़ों पे सवार होके घुड़सवारी करते हुए प्रोटेक्शन का काम करते थे, पूरे एम्पायर को संभालने का काम करते थे, पीस मेंटेन करने का काम करते थे, तो इक्विटस उन्हें कहा जाता था. और सीनेटर्स पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वेल्दी जो पर्सन होते थे जो रूलिंग में थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते थे, सीनेटर्स के सीनेट के मेंबर्स सीनेटर्स कहलाते थे. तो टैकिटस ने बताया कि बाद में जब लेट एम्पायर का टाइम आ जाता है तो उस टाइम पर जो दो ग्रुप्स थे जो अब एक पोजीशन पर आ चुके थे, यानी दोनों की ही वैल्यू एक बराबर आ चुकी थी, वो थी सीनेटर्स की और इक्विटस की. इन दोनों में ही ऑलमोस्ट हाफ जो पार्ट था, मतलब हाफ पॉपुलेशन थी, वो आती थी अफ्रीकन फैमिलीज से, है ना. सीनेटर्स और इक्विटस में जो भी मेंबर्स थे वो आधे से ज़्यादा लोग अफ्रीकन फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे. और ये दो मिलकर पूरी तरीके से रूलिंग देख रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं थे उस टाइम पर, ठीक है. लेकिन देखा जाए अगर तो
इस टाइम पर ये इतने पावरफुल नहीं थे जितना पहले थे। अर्ली एम्पायर के टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा कि सीनेटर एक अलग ग्रुप होते थे सीनेटर्स का, और इक्विटेस यानी आर्मीज़ का अलग अलग ग्रुप होता था। इस टाइम पर दोनों एक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पावर की बात आती है यानी स्ट्रेंथ की बात आती है, रूलिंग जो हो रही थी वो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रह जाती है और थोड़ी वीकनेसेस आ जाती हैं। क्लियर? फिर आता है थर्ड मेंबर्स का ग्रुप, जो हमारा मेंबर है वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ऐसे लोग थे जो लोग जुड़े हुए थे इम्पीरियल सर्विसेज में, यानी जो लोग सीनेटर्स के साथ घरों में या सीनेटर से रिलेटेड काम कर रहे थे, इक्विटस के साथ मिलके काम कर रहे थे, ऐसे लोग जो थे वो मिडिल क्लास कहला रहे थे। ऐसे लोग, इनमें प्रॉस्पीरियस मर्चेंट्स और जो बिग फार्मर्स थे वो भी इंक्लूडेड थे। टैकेटस ने डिस्क्राइब किया हुआ रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लासेस का, जिनमें उन्होंने बताया है कि इन्हीं मिडिल क्लासेस में क्लाइंट्स ऑफ द ग्रेट सीनेटर्स हाउसेस आर आल्सो इंक्लूडेड। नेक्स्ट जो ग्रुप आता था उसका ह्यूमिलर्स नाम से जाना जाता है, लिटरली इसे लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। इनमें जो लोग इंक्लूड होते थे वो थे रूरल लेबर्स, जो गांव में लेबर्स का काम करते थे, परमानेंटली एम्प्लॉयड लोग जो थे वो भी, और जो कि टेम्प्ररी रहते थे, सीजनल वर्क मिलता था जिनको, ऐसे लोग भी रूरल एरियाज़ के इस कैटेगरी में इंक्लूड होते थे। इनके अलावा इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने वाले वर्कर्स, माइनिंग से रिलेटेड वर्क करने वाले लोग, कुछ माइग्रेंट्स वर्कर्स जो कहीं और से आए हुए लोग हैं, या फिर ऐसे लेबर्स जो कि ग्रेन्स के प्रोडक्शन में, फार्मिंग के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, ऑलिव ऑयल की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ की बिल्डिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, आर्टिसंस हैं। तो ऐसे जो लोग थे जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं या कैजुअल लेबर्स जिनको हम कहते हैं, ये सभी लोग हमारे लोअर कैटेगरी यानी ह्यूमिलर्स कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, सबसे जो लास्ट आते थे यानी पूरी सोसाइटी में सबसे जो निम्न वर्ग आता था, सबसे छोटा आता था, वो आता था स्लेव्स का। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा कि स्लेव्स की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी। तो थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स दैट वर स्टिल फाउंड ऑल ओवर द वेस्टर्न एम्पायर इन पर्टिकुलर। क्लियर? तो बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी स्लैब्स पाए जा रहे थे, और ये स्लैब्स हमारे पूरी सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका सबसे छोटा हिस्सा या सबसे कम रिस्पेक्ट का वाला ग्रुप कहलाता है। अर्ली 5th सेंचुरी के एक हिस्टोरियन ओलंपियोडोरस ने बताया, जो कि एक खुद भी एक एम्बेसडर रह चुके थे, इन्होंने बताया कि उस टाइम पर जो रूलिंग सिस्टम चल रहा था तो उसके अंतर्गत बहुत सारा एनुअल इनकम होता था। ऑलमोस्ट 4,000 LBS ऑफ गोल्ड्स प्रोड्यूस हो रहा था उस टाइम पर और कंज्यूम किया जा रहा था रोमन एम्पायर में। LBS क्या होता है? LBS इज़ एन इंटरनेशनल टर्म यूज टू डिफाइन वेट और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये 4,000 LBS जो था वो एक तरह से मेज़रमेंट करने के लिए, मेज़रिंग करने के लिए कि कितने अमाउंट में गोल्ड प्रोड्यूस हो रहा था या गोल्ड यूज़ किया जा रहा था उस टाइम पर, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इट मीन्स कि वहाँ पर जो प्रॉस्पेरिटी थी वो बहुत अच्छी थी उस टाइम पर, जिस समय पर सोशल स्ट्रक्चर अब थोड़ा चेंज हो चुका था। अब हम बात करते हैं मोनेटरी सिस्टम के बारे में, करेंसी के बारे में। तो उस टाइम पर जो लेट एम्पायर था उस टाइम तक सिल्वर बेस्ड करेंसीज चलाई जा रही थी, ठीक है। तो शुरू की जो 1st 3 सेंचुरीज थी वहाँ पर बहुत अच्छे से सिल्वर कॉइन्स के थ्रू सारी चीज़ें हो रही थी। स्पेनिश सिल्वर माइंस बाद में एग्जॉस्ट हो गए, ख़त्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए गए और स्पेनिश सिल्वर माइंस ख़त्म हो गए, वहाँ पर सिल्वर का की अवेलेबिलिटी अब नहीं रह गई थी। तो जिससे फिर बाद में क्या होता है कि जो हमारा रूलर था उस टाइम पर कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर अपना जो मोनेटरी सिस्टम था उसको चेंज किया और उन्होंने फिर गोल्ड के कॉइन्स
को शुरू कर दिया। तो उस टाइम पर गोल्ड के कॉइन्स का सर्कुलेशन हो गया था थ्रू आउट लेट एंटिक्विटी, यानी अर्ली टाइम पर, अर्ली रोमन एम्पायर की के मोनेट्री अगर सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं तो उस टाइम पर सिल्वर कॉइन्स चल रहे थे, ठीक है, फर्स्ट 3 सेंचुरीज तक। देन आफ्टर 3rd सेंचुरी, 4th सेंचुरी के अर्ली टाइम से ही कौन सी कॉइन्स हमारे शुरू हो गए, फिर हमारे गोल्ड कॉइन्स पूरी शुरू हो जाती हैं। गोल्ड कॉइन के थ्रू यहाँ पर एक्सचेंज किया जाना शुरू हो जाता है और करेंसी हमारी गोल्ड कॉइन की हो जाती है, ठीक है। लेट रोमन टाइम पर जो कंडीशन थी उस टाइम पर वो ये थी कि उस टाइम पर हायर और मिडिल एकेलॉन्स, एकेलॉन्स एक पोस्ट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैलरी पा रहे थे, है ना, क्योंकि ये तो हायर पोस्ट पर थे तो ये बहुत ज़्यादा सैलरी पाते थे। किस फॉर्म में पाते थे, गोल्ड के फॉर्म में पा रहे हैं ना, तो इन चीज़ों को वो अपनी सैलरी को यूज़ करते थे इन बाइंग अप असेट लाइक लैंड, लैंड जैसी चीज़ों को ख़रीद रहे थे, कुछ दूसरे टाइप के असेट्स को भी ख़रीद रहे हैं, तो वो ये चीज़ इन चीज़ों में अपने पैसों को, अपने सैलरी को इन्वेस्ट कर रहे थे, खर्च कर रहे हैं। और उस टाइम पर करप्शन का भी थोड़ा सा स्कोप था, उस टाइम पर लोग करप्शन भी कर रहे थे, जबकि जो ज्यूडिशियल सिस्टम था, जैसे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री सप्लाइज़ जो भी हो रही थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिल रहा था, जबकि जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए, बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि वो इन सभी फॉर्म के जो भी करप्शंस थे उनको रोक सके, और कंटिन्यूसली इस चीज़ पे लगे हुए थे। और इसी करप्शन की वजह से हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन लोगों ने रोमन एम्पायर को क्रिटिसाइज़ भी किया है उस टाइम को, कि उस टाइम पर इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा था और किंग के बहुत सारे प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाने के बाद भी, इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद भी वो चीज़ें ठीक ढंग से रिमूव नहीं हो पा रही थी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर रोमन लॉ इमर्ज होता है 4th सेंचुरी में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन आता है रोमन लॉ का, जहाँ पर 4th सेंचुरी में फिर एक बड़ा लॉ बना दिया जाता है ताकि इस तरह के करप्शन को भी रोका जा सके और लोगों के पावर्स को भी थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया जाए। अब इस तरह के जो लॉज बन गए, उसके बन जाने से क्या हो जाता है कि जो एम्परर्स थे या किंग हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी लोग हैं, कोई भी पोस्ट के लोग हैं, वो क्या कर सकते थे, वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते थे। दे वर नॉट फ्री टू डू वट एवर दे लाइक, वो जो चाहते हैं सिर्फ वही नहीं कर सकते, बल्कि अब उनकी पावर्स भी लिमिटेड हो गई हैं। और साथ ही साथ पर सिटीजन्स के जो सिविल राइट्स थे उनको भी प्रोटेक्शन दे दिया गया, जब ये कुछ तरह के लॉज 4th सेंचुरी में बना दिए गए, है ना। और इस तरह से जब लोगों को थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है और लोगों को कुछ राइट्स मिल जाते हैं, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाई थी कि बिशप, एक बिशप थे एम्ब्रोस नाम था उनका, उन्होंने भी एक पावरफुल जो किंगडम उस टाइम पर, उनका भी किंगडम के बारे में यहाँ पर कहीं पर बताया जाता है कि एक रोमन एम्पायर के अंदर ये एक छोटा किंगडम एक बिशप थे एम्ब्रोस उन्होंने भी बनाया, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता था जब उनके किसी भी जो भी वो करना चाहते थे, जो भी एक्टिविटी के थ्रू वो चीज़ें कर रहे थे और जो उनके सपोर्टिव लोग थे उनको लॉ का यानी वहाँ के कानून का थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है। या इसका मतलब था कि कोई भी पर्सन, कोई भी कॉमन सिटीजन इस तरह से स्टेप्स तभी ले सकता था जब उसको लॉ के थ्रू प्रोटेक्शन दिया गया होगा, है ना। तो यानी कि अगर ऐसी चीज़ें हुई थी तो लॉ काफ़ी डेवलप्ड थी उस टाइम पर और बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी, जिसकी वजह से हर किसी ने अपने राइट्स को इंजॉय किया और किसी ने भी किसी दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं किया। क्लियर स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल अबाउट सोशल हायरार्कीज एंड मोनेटरी सिस्टम ऑफ रोमन एम्पायर। नाउ वी विल नो अबाउट इनकम्स ऑफ द रोमन एरिस्टोक्रेसी अर्ली 5th सेंचुरी। अब उस टाइम पर और कौन कौन सी चीज़ें थी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे शॉर्ट में, यहाँ पर तुम्हारी बुक में दिया हुआ है
इसमें ये बता रहा है कि जो रोमन एम्पायर था उस टाइम पर जो ग्रेट हाउसेस मिले हैं हमको, बहुत बड़े बड़े घर मिले हैं, उसमें ये देखने को मिला है जो एरिस्टोक्रेसीज़ के, यानी जो हमारे हायर पोस्ट के लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे, उनके जो बड़े बड़े हाउसेस मिले हैं उनके हाउसेस के बारे में यहाँ पर बता रहा है। तो वो क्या क्या था इसमें, ये बता रहा है कि जो हाउसेस होते थे उस टाइम पर वो मीडियम साइज्ड सिटी की तरह थे। मतलब हम उन हाउसेस को कह सकते हैं कि वो एक तरह से सिटी की तरह थे, क्योंकि हर हाउस में जो एरिस्टोक्रेसीज़ के, यानी वो हायर पोस्ट वाले लोगों के जो हाउसेस होते थे, उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती थी। उनमें पाया जाता था हिप्पोड्रोम। हिप्पोड्रोम क्या होता है? हिप्पोड्रोम होता है लाइक स्टेडियम, जहाँ पर हम हॉर्स राइडिंग करते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के गेम्स खेलते हैं। तो ये जो बड़े बड़े हाउसेस होते थे वो स्मॉल सिटी इसलिए ही कहा गया है उनको, क्योंकि वहाँ पर घरों के अंदर बड़े बड़े स्टेडियम्स होते थे। साथ ही साथ उसमें फोरा पाया जाता था। फोरा इज़ लाइक मीटिंग हॉल, मीटिंग हॉल की तरह होता है फोरा, जहाँ पर लोग मीटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, हर तरह की जो भी एक्टिविटीज़ उनको इस तरह से करना है पब्लिकली, मैटर्स पर भी अगर कभी डिस्कस करना है, तो वो भी वो अपने खुद के हाउस के अंदर फोरा में करते थे। ठीक। टेंपल्स, जैसे हम लोग देखते हैं टेंपल्स, बड़े बड़े टेंपल्स सिटीज़ में, टाउन्स में देखने को मिलते हैं, वैसे ही हर घर में, हर पर्सन के जो घर थे, जो हायर पोस्ट के लोग थे, रिच मेंबर्स जो हमारे रोमन सोसाइटी के थे, उनके घरों में टेंपल्स भी पाए जाएंगे। फाउंटेन्स, बड़े बड़े फाउंटेन्स लगे होते थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाथ्स भी पाए जाते थे, कुछ इस तरह से होता था। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे रूम्स हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे रूम्स होते थे और बिग साइज़ में होते थे। तो इतने तरह की चीज़ें हर हाउस में पाए जाते थे एरिस्टोक्रेसीज़ के, तो इसीलिए इन हाउसेस को हम लोग स्मॉल सिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है। इनके अलावा जो ये हाउस होल्ड थे वो रिसीव करते थे ऑलमोस्ट 4,000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड। हर साल इनकी जो इनकम होती थी वो 4,000 पाउंड गोल्ड की इनकम होती थी। इनके अलावा ग्रेन, वाइन जैसी जो चीज़ें होती थी जिनका ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जिनको ये किसी न किसी वे में एक्सपोर्ट कर रहे होते थे, तो उनकी वैल्यू भी बताई जाती है कि अगर वो भी बेच दिया जाए तो 1/3 ऑफ द इनकम इन गोल्ड, जितना मतलब इनका इनके इनकम का 1/3 पार्ट सिर्फ इन्हीं चीज़ों से मिल जाएगा, है ना। ग्रेन, वाइन और जो दूसरे भी प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस वो खुद कर रहे थे, उन चीज़ों से भी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इन लोगों के पास इनकम आ रही थी, जबकि हमारे जो सेकंड लेवल के लोग थे, जो जिनको हम कहते हैं कि सेकंड क्लास लोग थे, उनकी इनकम थी वो थी 1,000 और 15,000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड। तो इतने अमाउंट में गोल्ड की इनकम सेकंड क्लास के पास हो रही थी। तो इस तरह से इनकी तो फिक्स जो भी इनकम थी वो आ रही थी, जबकि लोअर क्लासेस हमारे स्लेव्स और जो लेबर्स वर्कर्स थे, इनकी तो इरेगुलर सैलरीज होती थी, कोई भी इनका रेगुलर या फिक्स वेजेस तो होता नहीं था, है ना। इसलिए इनके इनकम के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, डिस्क्राइब नहीं किया गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेट एंटिक्विटी, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जहाँ पर हम पढ़ेंगे लेटर एम्पायर के बारे में। कि अब अर्ली एम्पायर हम लोगों ने एक टॉपिक में पहले पढ़ा हुआ है, अर्ली एम्पायर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, शुरुआती दौर में कैसा सीन था उस टाइम पर। अब हम हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि लेट जो हमारा लेटर एम्पायर था, एम्पायर का जो सेकेंड हाफ था वो कैसा था, है ना। तो उसके बारे में हम देखेंगे बट इन आवर नेक्स्ट क्लास। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।